नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें हरीश चंद्र यादव अध्यक्ष, आनंद कुमार मिश्र महामंत्री निर्वाचित हुए। जौनपुर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद पर हरीश चंद्र यादव, उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री पद पर आनंद कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष पद पर सुधाकर प्रजापति, संयुक्त मंत्री पद पर राजीव सिन्हा, लेखा निरीक्षक पद पर महावीर पाल निर्वाचित हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक चुनाव अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, राम आश्रय दुबे, सूर्यनाथ यादव, मेवालाल द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया। बुधवार को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक रहा। 3:30 बजे मतगणना अंतिम परिणाम घोषित होने तक चली। कुल 683 मतदाताओं में से 621 ने अपने मत का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर हरीश चंद्र यादव को कुल 348 मत मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी घनश्याम सिंह को 83 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 213 मत प्राप्त किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अजय कुमार गुप्ता को मात्र 3 मतों से हराया। महामंत्री पद पर आनंद कुमार मिश्र को 258 मत प्राप्त हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मनोज मिश्र को 38 मतों से पराजित किया। कोषाध्यक्ष पद पर सुधाकर प्रजापति ने 389 मत पाकर विजयी रहे। उनके प्रतिद्वंद्वी शेषमणि मौर्य ने 238 मत प्राप्त किया। लेखा निरीक्षक पद पर महावीर पाल 251 मत पाए। निकटतम प्रतिद्वंद्वी उनके विकास कुमार पांडे ने 261 मत प्राप्त किया। विजयी प्रत्याशियों की नारेबाजी से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। कलेक्ट्रेट का परिणाम जानने के लिए दीवानी के काफ़ी संख्या में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुँचे, विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।